अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ऊन के गोले में लाइट ऑफ हो गई थी तो टॉर्च मैंने जला ली हुई है। अब मैं ये खोल के दिखाती हूँ कि वाकई में यही है, क्योंकि तकरीबन 20-25 पार्सल मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। तो ये मैं, हाँ ठीक है वही है, उनके गोले ही हैं। लेकिन भाई ये तो ऊन वो नहीं है जो मैंने मंगवाई थी, ये तो बिल्कुल ही छोटे छोटे से। मैंने बेसिकली इसके टसल्स बनाने थे और इतना बारीक धागा है। मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। ये मुझे डीसी वगैरह डालने के बाद मुझे ये 300 के मिले हैं। इससे अच्छा आप मार्केट से जाके ले आए। ये देखें ज़रा, ये क्या इन्होंने ऊन की बजाय ना ये इतने इतने से ये धागे भेजे हैं। ये देखें ज़रा, ये धागा है, ये इससे क्या आप टसल बना लेंगे और क्या आप इससे कुछ सिलाई कढ़ाई के लिए तो ये नहीं है, बिल्कुल ही बेकार ये धागे भेजे हैं। वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दराज में कभी कभी लक होता है, आपकी चीज़ अच्छी निकल आती है। देख रहे हैं ये इतने इतने से बड़े उन्होंने लिखे हैं 6। और आप यकीन करें मुझे वो लिंक नहीं इस टाइम मिल रहा, लाइट चली गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बड़े बड़े गोले उन्होंने तस्वीर में। ये देखिए, ये 3 मिला के ना तो फिर कहीं एक गोला बनता है ये इसका। और ये इतने इतने से है, ये देखें इतने से। मैं आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ, ये है ये गोला। तो आप जो है ना वहाँ पे जितने भी ये ऊन के गोले लगे हुए हैं ना, ये मैं आपको कहती हूँ ये वहाँ से दराज से बिल्कुल परचेज़ ना करें। मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने मंगवा लिया था कि चलो घर बैठे एक चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है और ये मैं रिटर्न करने लगी हूँ। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये आप मत मंगवाएं, अपने पैसे ज़ाया ना करें। ये 300 के मुझे मिले। ठीक है, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।